नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। डेली अपडेट में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। अधिकतम दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। एक संतान पर स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले दंपत्ति को सरकार एकमुश्त राशि भुगतान करेगी। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज में फिर से हुआ बदलाव। 18 जुलाई को खेला जाएगा पहला वनडे। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली वनडे सीरीज में फिर से बदलाव हो गया है। दोनों टीमों के बीच अब पहला वनडे 18 जुलाई से खेला जाएगा। अगली खबर हरियाणा से है। बीजेपी नेताओं की बैठक के खिलाफ किसानों का विरोध। पुलिस से है झड़प, बैरिकेडिंग तोड़े। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के विरोध में पुलिस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली वालों पर महंगाई की दोहरी मार। पेट्रोल डीजल के साथ दूध की भी बड़ी कीमतें। दिल्ली वालों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ राजधानी में दूध की कीमतें भी बढ़ गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 2500 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ चार गिरफ्तार। ये एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट था। महीनों से इस गैंग पर काम चल रहा था। बरामद हेरोइन अफगानिस्तान की है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अफगानिस्तान का है। पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हुए आम नागरिकों की मदद के लिए आगे आई भारतीय सेना। 750 दिव्यांगों को बांटे यंत्र। भारतीय सेना ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के साथ मिलर फारकिया गली कुकवाड़ा में एक कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर का आयोजन किया। अगली खबर जम्मू से। पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंचे। गुस्साए शिवसेना नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू में पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे लीटर में बिका, जिसके खिलाफ शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना ने शनिवार को सड़कों का रुख, आम जनता को महंगाई वॉरियर का खिताब दिया। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा। 12 दिनों बाद इतने संक्रमितों की गई जान। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,55,225 सैंपल टेस्ट किए गए। इसमें से 42,766 लोग संक्रमित निकले, यानी कि पॉजिटिविटी रेट करीब 2% है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन। पीएम मोदी योगी समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि वे एक उत्कृष्ट सांसद और प्रशासक हैं। साथ ही देश सेवा के लिए उनके लंबे जीवन और स्वास्थ्य की प्रार्थना की। तमिलनाडु में 19 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन। पाबंदियों में अतिरिक्त छूट। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया। हालांकि लोगों को कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई। कोरोना की तीसरी लहर आई तो जनता ही होगी जिम्मेदार। 57% लोग यही मानते हैं, सर्वे से जानकारी मिली है। विभिन्न शहरों और हिल स्टेशनों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ देखी जा रही है। भारत में अधिकांश लोगों का मानना है कि तीसरी कोरोना लहर आने पर इसके लिए आम जनता जिम्मेदार होगी। कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO की मंजूरी। चीफ साइंटिस्ट ने कहा वैक्सीन की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत बायोटेक की COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को असरदार माना है। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। कोरोना का कप्पा स्वरूप वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बल्कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस जानकारी मिली है। कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट 2 मामले उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान सामने आए। नीति आयोग के सदस्य VK Paul ने कहा कि कप्पा वेरिएंट पहले भी देश में मिला है। कोरोना महामारी में नाते बच्चों की पहचान के लिए सर्वे करवाएगी दिल्ली सरकार, उठाएगी पूरा खर्च। दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ बच्चों की पहचान करने के लिए एक सर्वे करेगा। विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। अब मंसूरी में प्रवेश करने से पहले दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। भीड़ बढ़ने पर हुई सख्ती। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच मंसूरी में सैलानी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर रहा है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून की बारिश शुरू। जानिए मौसम का हाल। अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के और मजबूत होने के कारण पश्चिमी तट और इससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। गंगा में नहीं पाए गए कोरोना वायरस के निशान। रिसर्च के बाद नदी कोविड फ्री घोषित। वैज्ञानिकों ने गंगा नदी में कोरोना वायरस के मिलने की आशंका को खारिज कर दिया है। 2 महीने की जाँच में उनको वायरस के निशान नहीं मिले। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान वो एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे।
दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की संभावना। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली से चोरी मोबाइल की जम्मू कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक बिक्री। दिल्ली पुलिस ने किया मेवाती गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 खरीदार भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि कुछ महीने के भीतर ही लाखों रुपए इधर से उधर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। डेली अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।